सुबह झकास मॉर्निंग में भौकाल मचाने वाली बंदी का नाम आली रे अर्जुन दीवाना, अरे आली रे अर्जुन दीवाना। शहर की हर पार्किंग के बाहर लिखा होता है कि पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। इट्स जस्ट लाइक यू नो वो गोलगप्पे वाले भैया होते हैं ना जिनके ठेले के बाहर लिखा होता है हमारे यहाँ शादी और पार्टीज के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। वाले पार्किंग वाले भैया को जब हम अपनी यू नो कार देते हैं तो वो भी बड़े टेंशन में हमारी कार की चाबी घुमाते हैं और अगर कुछ हो जाए तो क्या कहते हैं। देखिए चोरी होने का तो कुछ नहीं, वैसे तो टोकन पे सब जगह लिखा होता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थेफ्ट एनी डैमेज एनीथिंग। अरे देन हु इज रिस्पॉन्सिबल सर जी। जयपुर की जनता का रिएक्शन ऑन पार्किंग एट ओनर्स रिस्क का बोर्ड देखकर सबसे पहले तो यही आता दिमाग में, अरे यार ये क्या हो गया। होना यही चाहिए कि पार्किंग एट ओनर रिस्क ना हो गए, पार्किंग एट ओनर लक होना चाहिए। थोड़ी देर में कुछ एक सेवा शुरू होने वाली है, गाड़ी थारी जिम्मेदारी मारी, यादगारी याद आता है उसमें। तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल जो पहला आता है वो ये है कि अब क्या जुगाड़ करें। अरे हमारे लिसनर्स कोई छोटे मोटे नहीं है, एडवोकेट साहब ने लाइव स्टूडियो में मेरे को कॉल लगा के जो इन्फॉर्मेशन दी ना। विश्वजीत मंत्री एडवोकेट बोल रहा था, मैम मेरे लिए आप ये लिख दो कि ओनर रिस्क, ये लीगली अगर आप सर्विस दे रहे हैं और अगर आपकी कार चोरी होती है डैमेज होती है ये ओनर प्रोवाइड दिस सर्विस। ओनर्स रिस्क वाली पार्किंग में भी कुछ इस तरीके का कानून है अपने पास? हाँ मैडम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाइए, आप बताइए कि ये इस तरीके से इनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है उसके कारण मेरी ये कार चोरी हो गई या इसमें डैमेज हो गया। भाई साहब तो जयपुर की गलियों में आज अपन लोग निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए और कल सुबह एग्जैक्टली 9 बजे अपन लोग मिल बांट के भौकाल मचाने वाले हैं। और हाँ, ये पार्किंग वाले भैया की जो असलियत का मटका है ना कल सुबह खोलने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड रहो झकास मॉर्निंग मेरी यानी दिवांगना के साथ ओनली ऑन FM तड़का। सुबह झकास मॉर्निंग में भौकाल मचाने वाली बंदी का नाम आली रे अर्जुन दीवाना, अरे आली रे अर्जुन दीवाना। पार्किंग एट ओनर्स रिस्क का डे 2 भाई, जहाँ पे हमने पार्किंग में जाकर किया लाइव रियलिटी चेक। पार्किंग का काम तो ये तो लगा ही रहता है, कभी यहाँ चोरी कभी वहाँ चोरी, ये तो आम बात है। देखिए अगर कोई चीज चोरी होती है चोर चुराते हैं इसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस। अगर यहाँ गवर्नमेंट ने कैमरे का सुविधा नहीं दिया है मैं तो कैमरा लगाऊंगा नहीं। अब इस बात पर बड़े लोगों को कॉल लगाना तो बनता था, तो जयपुर के DCP साउथ सर जी को जब हमने कॉल लगाया तो मेरी गाड़ी पे अगर कोई स्क्रैच लगा के चले जाता है, मेरी गाड़ी वहाँ से चोरी हो जाती है तो वो मेरी रिस्क है, स्टिल मैं पैसे तो भर ही रही हूँ ना उस पार्किंग के। पैसे क्यों भर रही है सर? वो तो जनरल वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ भाई, ये लिखा हुआ तो गलत लिखा हुआ। अगर मान लीजिए उसका एग्रीमेंट क्लॉज चेक कर लीजिए आप, एक्चुअली जहाँ भी किया वहाँ क्लॉज हुआ कुछ कुछ। पार्किंग वाले भैया से बात हुई, उन्होंने दिखा दी हम लोगों को क्लियरली ये स्लिप कि मैम ये तो पार्किंग एट ओनर्स रिस्क है। ना 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 ना, उसको कही तुम्हारी जिम्मेदारी, उसको बताइए बात। सर ये पार्किंग एट ओनर्स रिस्क के लिए जयपुर की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इतना समय नहीं ना, ले लिया कॉल वही बहुत। हाँ क्योंकि पब्लिक सर्वेंट सर थोड़ी ना है, पब्लिक सर्वेंट तो अपन लोग हैं जो जयपुर की जनता को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सर जी ये जनता है सब जानती है, आपकी इस बात पर आखिरकार लोगों ने क्या बोला? इतना बिजी रहने वाली तो कोई बात नहीं है, ध्यान देना चाहिए क्योंकि चीज हमारी है और हमारी सेफ्टी हमारे हाथ होती है। बहुत अच्छी चीज चला रहे हो ये पार्किंग एट ओनर्स रिस्क वाला, तो आप भी जिस हिसाब से वो तो मतलब वो कहते हैं ना होम हवन कराने की जरूरत है भाई इस बात पे तो हर किसी इंसान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो पार्किंग एट ओनर्स रिस्क वाकई ओनर की ही है भाई साहब।